रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत इटावा बाजार में संचालित बीजन क्लासेस शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को प्रतिभाशाली बना रहा है। बीजन क्लासेस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजन क्लासेस में पढ़कर यहां के कई छात्रों ने राज्य और जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे छात्रों को शनिवार को सम्मानित किया गया। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतरीन अंकों के साथ पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं को बीजन क्लासेस के द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहतर अंकों के साथ पास आउट होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह के दौरान गया जिला जदयू महानगर के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष राजू बर्नवाल, जिला परिषद के उपाध्यक्ष शीतल यादव, पूर्व जिला परिषद व जदयू के वरिष्ठ नेत्री पूनम कुशवाहा, शिक्षक लाला प्रसाद, पूर्व मुखिया तुला प्रसाद, गया से आए तूफान सर और बीजन क्लासेस के डायरेक्टर दीपक कुमार मौजूद थे। इटवा के प्रांगण में और दीपक जी जैसा व्यवस्थापक और यहाँ पे 500-600 बच्चे और इसे इटवा जान दिया है इन्होंने। और देखिए किस तरह से इस विजन क्लासेस में अतिथियों का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है। मैं चाहूंगा जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिएगा। जी हाँ, इतने अच्छे से मेरा सौभाग्य की बात है कि आज इटवा बाजार के प्रांगण में आज जो है विजन क्लासेस के हमारे दीपक सर हैं, सुनील बाबू हैं, राजू ब्रनवाल साहब आए हैं गया से चल करके। कल हम लोग का 12 चट्टी में कार्यक्रम था। आज जो विजन क्लासेस का एक आज समारोह जो रखा गया है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ राजू ब्रनवाल साहब हैं, यहाँ के डॉक्टर राम प्यारे सिंह उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्री लाला बाबू हैं, सुनील बाबू हैं, गया से चल कर के आए हैं। सभी मीडिया भाई को और क्लासेस विजन को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। अभी हम लोग शिक्षा के लिए, सिंचाई के लिए, सड़क के लिए, शीतल यादव जब हमारे बड़े भाई स्वर्गीय बिंदी यादव थे उन्होंने संघर्ष करते रहे इस इलाका के लिए, आज भी मैं उनका भाई हूँ। हमारे साथ देने वाले राजू ब्रनवाल साहब हैं। जो भी समस्या है हम लोग का इलाका का मिलजुल कर करके हम लोग समाधान करेंगे। आज विजन क्लासेस इटवा में बच्चों की विदाई समारोह का अवसर बनाया गया जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शीतल प्रसाद यादव जी, राजू बनवाल जी सभी लोग उपस्थित हुए और अतिथि के रूप में पूनम कुशवाहा जी भी यहां उपस्थित रहे और बच्चों से विदाई समारोह में सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया। जो भी बच्चे जिस तरह का रिजल्ट दिए थे उनके अनुसार उनका प्राइज वितरण था और पुरस्कृत वितरण समारोह भी मेरे तरफ से रखा गया जिनमें सभी मेरे अतिथि लोग उपस्थित हुए। और ख़ास करके तूफान सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें आज बहुत सहयोग किए और आज बगल से आए हुए मेहमान के रूप में थे मेरे पप्पू सर जिनका जीनियस कैरियर पॉइंट का एक कोचिंग चलता है, उनके संस्थापक भी आए हुए थे, अजय सर भी उपस्थित रहे हैं, कुछ पटना से आए हुए रवि सर भी उपस्थित रहे हैं। तो मैं सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने मिलकर के और मुझे सहयोग किया। आज का विदाई समारोह जो है खास बनाया गया। मैं इस दिन के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी जिन्हें शिक्षा लगता था कि हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे वैसे लोगों तक शिक्षा पहुंचाया गया और हमारा एक शिक्षा जो है उससे काफ़ी हम रुचि रखे हैं और हमेशा रखते भी रहेंगे।
मैं यही कहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इस क्षेत्र के हैं, जो असहाय हैं, या तो जिनके जिनके ऊपर से उनके पिता और माता की साया उनके समाप्त हो गए हैं, मैं वैसे बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देने का भी काम करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। मेरा नाम दीपक कुमार है और विजन क्लासेस का डायरेक्टर हूँ मैं, और मैं बायोलॉजी विषय जो है वो पढ़ाने का काम करता हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।